नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्दी लिविंग विद ब्लूम ऑर्गेनिक। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्लूम ऑर्गेनिक के फाउंडर और सीईओ श्री सुनील कालरा जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सुनील जी। व्यूअर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट लाइन को देख के, एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्बल जूसेस का क्वेरी आई है कि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट लाइनअप है हर्बल ऑर्गेनिक जूसेस का, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्दी डाइट में? हर्बल जूसेस जो हैं आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है जो आयुर्वेदा बहुत सालों से बता रहा है और आज मॉडर्न साइंस ने भी उसको रिसर्च करके पाया है कि बहुत सारी उसके बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, तो इसकी वजह से ये हर्बल जूसेस जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और इनके बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं हेल्थ पे देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे जूसेस हैं जो इस मौसम में या थ्रू दीज लाइफस्टाइल इश्यूज हमें यूज़ करने चाहिए, कुछ उस पे सर फोकस कीजिए। ज़रूर। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम जूसेस कहते हैं तो आमतौर पे एक धारणा बनती है कि जैसे ऑरेंज जूस है या वैसा, ये वैसे जूसेस नहीं हैं, ये हर्बल जूसेस हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हैं, तो इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत थोड़ी लेनी होती है, तकरीबन 20-25 ml की क्वांटिटी होती है। आप उसे एज अ, इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डोज का मेजरिंग कैप है, इसके साथ भी ले सकते हैं या इसको आप अपनी स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, पानी में ऐड कर सकते हैं, किसी और लिक्विड में ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग, या सीधा शॉट की तरह उसको भी ले सकते हैं, तो बहुत इजी है। अ हेल्दी शॉट, आई एम श्योर अ हेल्दी शॉट, ऑफ कोर्स अ वेरी हेल्दी शॉट। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब भी आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसका मेरे हिसाब से उसको उसका ऑर्गेनिक होना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब है तो उसके उसमें पेस्टिसाइड्स या केमिकल का भी जो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं। और अगर आप इनको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं किसी जूस को, तो उसका जो पर्पस है वो आपकी हेल्थ को बेटर बनाना है, और उसका कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके बॉडी में इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड जा रहा है तो उसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। तो मेरी तरफ से ये एक रिकमेंडेशन हमेशा रहती है जूसेस में कि अगर आप हर्बल जूसेस यूज़ करें तो उसको ऑर्गेनिक में यूज़ करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। इनफैक्ट करेला एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो शायद सब लोग पसंद नहीं करते खाना, बट इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, तो एंड आई सी करेला जूस भी अवेलेबल जी। करेला, जैसे मैंने पहले बताया कि आयुर्वेदा बहुत देर से, काफ़ी सालों से, हमेशा से मतलब रही है रिकमेंडेशन के ये पंजेंट होता है, बिटर है, तो इसका आपकी ग्लूकोज लेवल जो हैं उन पर बहुत अच्छा असर होता है। पर आज मॉडर्न साइंस ने भी, आज इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं करेला जूस के ऊपर और ये इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में। और हमारी कम्युनिटी में ये बहुत प्रेवलेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को है, तो एक ये बड़ा नेचुरल सा एक रिसोर्स है। करेले की सब्ज़ी खाना भी अच्छा होता है, करेले का आप घर में भी जूस निकाल सकते हैं, पर आपको पता है यहाँ हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल में रोज़ फ्रेश करेला लाना और उसका जूस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मेकिंग श्योर कि वो ऑर्गेनिक है वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा करेला जूस जो है काफ़ी अच्छा, इसके इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ हमारे जो कस्टमर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको रेगुलरली और उन्होंने पाया है कि उनकी जो शुगर लेवल्स हैं उनमें एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा है उन्होंने। तो एक इतनी सी, आप अगर एक कैप रोज़ का लें, दिन में रिकमेंडेड है 2 बार लेना, शुरुआत आप 1 से करें, अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। परफेक्ट सर। और आंवला एक बहुत वंडर ड्रग या बोलते हैं उसको जी, आंवला तो आज सबको पता है कि इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम सभी कह रहे हैं कि अपने विटामिन सी लेवल को ऊपर रखिए, ज़्यादा लीजिए, सर्दियों में वैसे भी फ्लू वगैरह से वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है,
तो आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी बिसाइड अदर बेनिफिट्स. वो आपके बालों के लिए भी अच्छा माना गया है, आपकी आँखों के लिए भी अच्छा माना गया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा माना गया है. सेम विद करेला जूस. करेला जूस भी आपके ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बल्कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, डाइजेशन के लिए, इवन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है. उसी तरह हमारा एक और जूस है, नीम जूस है, जो कि नीम है, तुलसी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं. और जामुन है जो अगेन डायबिटीज़ में परफेक्ट. सुनील जी, तो ये जूसेस हर्बल हैं और ऑर्गेनिक हैं, तो ऑर्गेनिक के अलावा और क्या ऐसी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू आवर डाइट? सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, आप जब किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका हैवी मेटल टेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमारे जितने भी जूसेज हैं वो सभी हैवी मेटल टेस्टेड हैं, तो दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और दूसरा, जैसे ये बॉटल हैं, आजकल आपको पता है कि BPA की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ, तो हमारी सभी जो पैकेजिंग है ये कम्प्लीटली BPA फ्री है. हमारे किसी भी जूस में कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की है हमने. सो इट्स लाइक 99.9% जो है वो कम्प्लीट ऑर्गेनिक उस प्योर जूस है. जी, तो जाते हुए एक छोटा फूड फॉर थॉट. फूड फॉर थॉट हमेशा की तरह वही रहेगा कि आप अपने फूड को जानें, पहचानें, उसको क्वेश्चन करें, उसके बारे में रिसर्च करें और तब अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो दैट्स परफेक्ट सर. धन्यवाद शो पे आने के लिए और आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते. थैंक यू.